भाई वजीफा तस्बीह खाने का ऐसा है जो उसने जब भी किसी मकसद किसी मुश्किल करी परेशानी के लिए पढ़ा हो और हमेशा उसका काम हो गया हो, एक बार दो बार चार बार सौ बार उसका आजमूदा हो। हाँ, कहते हैं सात दफा सूरतुल मोमिनून की आखिरी चार आयात जब भी मैंने पढ़ी मेरा काम खो गया। जी, सूरत इंशिकाक की आयतें अलकत माफीहा व तखल्लत व अजनत रब्बिहा व हुक्कत, डिलीवरी के लिए पढ़ी और यूं काम हो गया। जब भी मंजिल और रास्ता बोला या इबादल्लाह आए नूनी या इबाद, पढ़ा और काम हो गया। हजरत मखदूम साहब वाला अमल, अगर कोई ड्यूटी भी लगा दे तो वही करनी है और करना बेकरार होके बेचैन होके, फिर फैसले होंगे। एक अल्लाह वाले कहते हैं कि ये दुआ मैंने पढ़ी, बीवी का केस खराब था फौरन ठीक हो गया। दूसरे कहते हैं कि मैंने पढ़ी और वालदा का खात्मा ईमान पे हो गया। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबतिन व हलफली खैरम मिन्हा। जी भाई, मैं तर्जमा तो कर दूं, पूरी दुनिया सुनती है। आपने कहते हैं फसा यक्फीकहुमुल्लाहु व हुवा समीउल अलीम, किसी मिशन किसी मकसद के लिए निकलता हूं पूरा हो जाता है। तीन साल से आपसे टोकन नहीं मिल रहा था, वो भी मिल गया। और कोई बताए कोई ऐसा मुश्किल से मुश्किल अटका हुआ काम, कहते हैं मैंने ये किया और यूं हो गया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रे, वल्लाहु गालिबुन, तीन साल से काम नहीं हो रहा था। 30 साल से काम नहीं हो रहा था। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रे, कितना पढ़ा पागल लातेदार, पागल मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने लातेदार कहा है। जी कहते मैंने 11 रोजे रखे और या मुसब्बिब अलअसबाब, बोलो सब्बिबली अलखैर, ये पढ़ा कितनी बार? 1100 बार। और कहा कि मेरे सारे रास्ते खुल गए, मेरी मंजिलें। या मुसब्बिब अलअसबाब सब्बिबली अलखैर, यकीन ला तो सही।